यस। सो देखिए बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेटा नंबर ऑफ सेल्स को ध्यान में रखते हुए हमने सेल की दो कैटेगरी बनाई थी, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर कहा था ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हम सिर्फ सिर्फ एक सेल देखते हैं, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है तो वो यूनिसेलुलर कहला जाता है, और अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल्स तो हम उसे मल्टीसेलुलर कह देते हैं, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे सेल्स को देखते हैं। ओके, तो उसी तरीके से हमने सेल्स को वापस से कैटेगराइज किया है, पर अब हमने न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किया है, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस को देखेंगे। ओके, सो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने सेल को डिवाइड किया है टू कैटेगरी में, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट टाइप का हमारा जो सेल होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ये किसके बेसिस पे हमने सेल को दो कैटेगरी में बांटा है बच्चों? तो ये हमने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हम डिवीजन तो कर रहे हैं, पर डिवीजन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने सेल को टू टाइप्स में बांट दिया है, टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा टाइप जो आएगा हमारा वो यूकैरियोटिक सेल। बेटा ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो ये प्रो है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ओके। और प्रो का मतलब क्या होता है बेटा? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब जो पहले के जो सेल्स हुआ करते थे, ठीक है, जो प्रिमिटिव सेल्स, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स हुआ करते थे, उन प्रिमिटिव सेल्स के न्यूक्लियस कैसे होते थे, ठीक है। और जो सेकंड वर्ड है, सेकंड हमारा जो सेल है वो यूकैरियोटिक, तो बेटा यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब जो ट्रू सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स हुआ करते थे, प्रिमिटिव सेल्स में जो न्यूक्लियस है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ करता था। तो बेटा देखिए, जो प्रिमिटिव सेल्स हुआ करते थे उनके उन सेल्स में जो न्यूक्लियस हुआ करता था, उस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती थी, ठीक है। समझो, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती थी। तो बेटा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो न्यूक्लियस को बाउंड कौन करेगा? न्यूक्लियस को बाउंड ही तो करता है ना हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसको सेपरेट करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, दोनों को सेपरेट करके रखता है, ठीक है। अब अगर हमारे न्यूक्लियस के ऊपर ये बाउंड्री ना हो, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, तो क्या होगा बेटा कि जो भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर के जितने मटेरियल्स होते हैं, हमने पढ़ा ना न्यूक्लियस के अंदर हमारे सस्पेंडेड क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो बेटा ये सारे मटेरियल्स क्या होंगे? पूरे सेल्स में स्कैटर्ड रहेंगे ना, पूरे हमारे साइटोप्लाज्म में फैले हुए रहेंगे। मतलब एक परफेक्ट कोई बाउंडेड सरफेस नहीं रहेगा, परफेक्ट एक बाउंडेड एरिया नहीं होगा कि इस एरिया में हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। वो जेनेटिक मटेरियल्स हमारे पूरे सेल्स में कहीं भी स्कैटर्ड रहेंगे, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव सेल्स हुआ करते थे, उस प्रिमिटिव सेल्स में जो न्यूक्लियस हुआ करता था उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन नहीं होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं थी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। तो जो भी हमारे न्यूक्लियस का मटेरियल है वो सभी मटेरियल क्या होता, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता था, स्कैटर्ड रहता था। तो इस तरीके के सेल को हमने क्या कह दिया? प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण जो भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो सारे मटेरियल्स हमारे साइटोप्लाज्म में फैले रहते थे, स्कैटर्ड रहते थे, ठीक है। अब ये इस तरीके का जो सेल था वो हमें कहाँ, किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता था बेटा? तो इस तरीके का जो सेल है वो हमें बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारे एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए, द सेल्स विच डू नॉट हैज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब यही है कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, उसको कोई बाउंड करने वाला नहीं है, वो ऑर्गेनाइज एक जगह पे नहीं है, वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, क्लियर। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, ओके। अब वेल ऑर्गेनाइज्ड इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और इस तरीके के सेल हमें कहाँ देखने को मिले, तो हमें इस तरीके के सेल बैक्टीरिया एंड एल्गी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई चीज़। ये प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? अब देखिए यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, तो बेटा यूकैरियोटिक सेल ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें यू का मतलब है ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो मतलब जो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, अब जो ट्रू न्यूक्लियस हैं, जो डेवलप्ड न्यूक्लियस हैं, बेटा डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, उसमें तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमें सेल्स प्लांट में देखने को मिलते हैं, जो सेल्स हमें एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, बेटा ये जो सेल्स हैं ये डेवलप्ड सेल्स हैं, है ना। तो इनकी जो न्यूक्लियस है, इनकी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के ऊपर सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अगर प्रेजेंट है, तो वो सेल हमारा यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। ठीक है, तो द सेल्स विच हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब एक जगह पे हो। ठीक है, वो ऐसे उसके मटेरियल बिखरे हुए ना हो, और एक जगह पे मटेरियल्स को करने के लिए न्यूक्लियस के ऊपर बाउंड्री होनी बड़ी ज़रूरी है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। तो बेटा यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से हमारा न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है, और उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल्स हर जगह पे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, अब इस तरीके का जो हमारा सेल है वो किस में देखने को मिलता है बेटा, तो बैक्टीरिया और एल्गी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे होते हैं, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्लांटिया है, एनिमिलिया है, मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये जितने भी हैं, इन सभी के सेल्स कैसे हैं, इन सभी के जो सेल्स हैं वो डेवलप्ड है, और सेल्स डेवलप्ड है इसका मतलब जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के ऊपर हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। तो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ जो सेल है वो हमें प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, इन सब में देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया और एल्गी को छोड़ दें तो बैक्टीरिया और एल्गी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स हुआ करते थे ना। ठीक है, अब धीरे 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 करके डेवलपमेंट होता है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि जब सबसे पहला जो सेल मिला वो कंप्लीट डेवलप्ड था। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो इनकम्प्लीट था, फिर जैसे 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 टाइम आगे बढ़ा उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और धीरे 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 करके हम सभी डेवलप्ड हुए हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम भी एक छोटे से एक सेल से किस तरीके से मल्टी सेलुलर बनते हैं, तो ये भी एक डेवलपमेंट ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि जब हम पैदा लेते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, तभी हम बहुत ही अच्छे मल्टीटास्किंग होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। इसी तरीके से हमारे सेल का भी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, पहले जो प्रिमिटिव सेल्स हुआ करते थे वो उतने डेवलप्ड नहीं थे, पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और जो सेल है वो डेवलप्ड हुए। ठीक है, और वो यूकैरियोटिक बने। ठीक है, क्लियर, मतलब जो उसका न्यूक्लियस था वो पूरा ऑर्गेनाइज रह गया, उनका जो न्यूक्लियस था वो कंप्लीट ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, अब देखिए सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा। देखिए जो सेल है, जैसे अभी जैसे मैंने बताया, जब आप छोटे होते हैं तो हम हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ किससे शुरू होती है, एक सिंगुलर सेल से, एक सिंगल सेल से, है ना। तो बेटा सिंगल सेल से हम मल्टी सेलुलर बनते हैं, तो कुछ तो होता होगा ना जिसकी वजह से हम एक सेल से मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, अब जब सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स हैं, तो बेटा जेनेटिक मटेरियल भी अपने आप को, जेनेटिक मटेरियल का भी तो डिवीजन होना चाहिए। मतलब जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो सेल के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी अपने आप को डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करके जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, उन जेनेटिक मटेरियल्स को टू पार्ट्स में बांट देता है। ठीक है, टू पार्ट्स में ऐसे सेपरेट करके उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये हमारा एक सिंगल सेल है। ठीक है, अभी सिंगल सेल के यहाँ पे सेंटर में हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा सेल है और ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। अब ये सेल अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, अपने आप को क्या करता है, ये डिवाइड करता है। तो जब ये सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है, न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होगा,
और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो जेनेटिक मटेरियल्स भी तो बटेंगे ना, सेपरेट होंगे ना, ठीक है। और जब ये सेल डिवाइड होगा तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक सेल से जब ये दो सेल बनते हैं ना, डिवीजन के बाद जो न्यू सेल्स बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल। क्या कहते हैं इनको, डॉटर सेल, ठीक है। अब ये इसी को कहा जाता है सेल डिवीजन, इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। सेल जो है वो अपने आप को कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है, मतलब एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में क्या होता है, सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स बनाता है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। सेल डिवीजन का भी रुकता नहीं है बेटा, ठीक है, सेल हमेशा डिवाइड करता रहता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस तरीके का जो हमारा सेलुलर डिवीजन जो होता है, सेलुलर डिवीजन में न्यूक्लियस भी तो डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, और न्यूक्लियस डिवाइड करके ही तो जेनेटिक मटेरियल को पास कर रहा है दोनों सेल्स में, तभी तो ये एक इंडिविजुअल बन पा रहे हैं एक, ठीक है। तो इस तरीके का जो सेलुलर जो हमारा डिवीजन होता है, ये सेलुलर डिवीजन से रिप्रोडक्शन भी होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म इस तरीके से रिप्रोड्यूस भी करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को। लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की, तो बाइनरी फिजन में बेटा क्या होता है, बाइनरी फिजन में तो ऐसे ही है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम अमीबा का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो अमीबा एक सिंगुलर सेल है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपने सेल्स को डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बनाती हैं, और वो डॉटर सेल्स जो होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में, और सेल डिवीजन से ही हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रोथ होती है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई चीज। तो सेल सर्टन एज पे आकर हमारे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें न्यूक्लियस भी स्प्लिट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होकर अपने जो उनके जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी डिवाइड होते हैं, बढ़ते हैं, और दोनों सेल्स में सेपरेट सेपरेट जाते हैं, और फिर वो सेल्स हमारे न्यू इंडिविजुअल सेल्स बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गई चीज़। तो आई होप आपको डिफरेंस प्लांट सेल में, एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझ, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, सेल डिवीजन किसे कहते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन जो है वो रिप्रोडक्शन का भी एक मेथड है, ठीक है, कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए तो हमने पढ़ा था ना कि अगर न्यूक्लियस ना हो तो सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी।